दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने में आपको कौन 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 से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं जो कि मैंडेटरी होते ही होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हो सकता। तो बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों जिसमें सबसे पहले होता है आपकी पर्सनल डिटेल। आपकी पर्सनल डिटेल में नेम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं उनका नाम क्लियर होना चाहिए। आपका एड्रेस प्रूफ लगता है वहाँ पे, आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हो। हो सकता है कई बार दो चीज़ें मांग लेता है, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो दोस्त पैन कार्ड आपके पास होना मैंडेटरी है अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हो। इसके बाद आपका आता है एजुकेशनल पे। एजुकेशनल में आपका अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका डिग्री लगेगी, मार्कशीट लगेगी एवरी ईयर की। और इसके बाद में अगर आपने बीटेक वगैरह किया तो उसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ता है। और आपका हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट वो भी सबमिट करनी पड़ती है आपके एजुकेशन में। तो इसकी आपको डिटेल भी वहाँ पे फिल करनी पड़ती है कि कितने परसेंट आया था, कब किया था, ये डिटेल भी फिल करनी पड़ती है। और आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड भी करने पड़ते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि अपलोड करते कहाँ पे हैं। तो जिस कंपनी के एंड से आपको मेल आया है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, आप उस कंपनी पे लॉगिन करोगे, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी। आप लॉगिन करके वहाँ पे ये सारी डिटेल आपको साइड में मिल जाएगी और वहाँ पे लिखा भी होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने होते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कि क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसमें दो डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं, एक आपका हो गया आधार कार्ड, यानी कि एक आपका होगा परमानेंट एड्रेस, एंड सेकंड हो गया आपका टेम्प्रेरी एड्रेस। अब टेम्प्रेरी एड्रेस में जो रेंट अग्रीमेंट दे सकते हो, गैस कनेक्शन का बिल दे सकते हो, तो इस तरीके के अगर आपके पास डिटेल है वो आप टेम्प्रेरी एड्रेस में दे सकते हो। और आपको उस रेंट अग्रीमेंट का स्कैन डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होता है और आधार कार्ड का भी, और एड्रेस आपको मैनुअली वहाँ पर लिखना भी पड़ता है। इन केस अगर इससे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है या कुछ लेंदी प्रोसेस होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का कई कंपनीज में, तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, उसे भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। और मैं दोस्त बता दूँ इसमें थोड़ा सा, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड का जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तो आपके थाने में जाता है, फिर चौकी में जाता है, फिर वहाँ से घर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। अगर आपकी कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हैं तो आप पहले ही वहाँ पे बात कर लो अपने थाने में या चौकी में कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो कभी प्रीवियस ईयर्स में, तो आप वहाँ पे पहले ये चीज़ डील कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब बात आती है आपके एम्प्लॉय वेरिफिकेशन की कि आपकी किस किस कंपनीज में जॉब किया है। तो वो हर एक कंपनी का आपको डेटा अपलोड करना पड़ता है। जैसे एक कंपनी को ABC है, आपने काम किया, तो वहाँ से कब रिलीज हुए, कब ज्वाइन किया था, ऑफ़र लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर, इन किसी डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स में आप कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट उसके पोर्टल पर अपलोड कर सकते हो और वो उससे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है। ये नहीं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल भी। आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। और इसी तरीके आपके पास अगर दो कंपनी छोड़ी हैं, तीन चार जितनी कंपनी छोड़ी हैं, तो वो ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो ये लाइन आपके लिए स्किप हो जाती है, कॉलम को आप छोड़ सकते हो। और इसके बाद में आपको मिलता है एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जो एक लेटर फॉर्मेट वहाँ पर आपको दिया हुआ होता है। उस लेटर को आप लोग को डाउनलोड करना होता है और डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट आउट निकाल के आपको उस पर मैनुअली सिग्नेचर करना होता है पेन से, और पेन से सिग्नेचर करना होता है, नाम लिखना होता है और डेट डालनी होती है जिस दिन आपने वो साइन किया है। और उसके बाद उस लेटर ऑफ ऑथराइजेशन को स्कैन करके आप दोबारा से उस पोर्टल पे अपलोड करोगे साइन किया हुआ। इसके बाद आप जैसे ही वहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, सबमिट, सेव, रीसेट। तो आपको करना है वहाँ पे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट कर देते हो तो आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वहाँ पे शो करने लगता है योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। अब बात आती है कि अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है कोई डॉक्यूमेंट्स, तो आपको उस पोर्टल पे जाके वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि आपका कहाँ तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट हो गया है या कहाँ तक कम्प्लीट हो गया, या आपको उस कंपनी का जो कंपनी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रही है उसका आपको मेल भी आता है कि ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, आप ये फिल करो, या उसके पोर्टल पे भी वहाँ पे शो कर देता है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी फिल कर सकते हो। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।